5000 का प्राइस लिखा हुआ भाई, और इसका प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 1200। ये लीजिए यहाँ पजामा, यहाँ पजामा प्राइस देखिए सब में लिखा हुआ है। एक शूज़ का था गाइस, इधर भी शूज़ का एकदम लाइन से लगा हुआ है। ये देखिए सबसे सस्ता ही मिलने वाला को 50 रुपीज़ में। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं ज्ञान भवन, वहाँ पर गारमेंट का कुछ मेला लगा है, कपड़ा वगैरह जूता वगैरह सब बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अंदर जाएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या भाई मेला में ऐसा ज्ञान भवन ही में मेला कुछ ना कुछ लगते रहता है, तो इस बार भी लगा है। गेट पर वैसे तो अभी तो कुछ नहीं लगा है, अंदर जाने का यही है एंट्री गेट पे, अंदर हम लोग जा रहे हैं। चलिए फिर, और मास्क भी आपको बाहर मिल रहा होगा, मास्क पहन के जाइए। आज हम लोग अंदर आ गए हैं, देखिए पीछे है ज्ञान भवन। पिछले हर बार जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ स्टेट फेयर वगैरह लगा हुआ था, और इस बार कुछ और है, हमेशा कुछ ना कुछ लगते रहता है। तो गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं, और अंदर पूरा स्टॉल हम लगा हुआ, लाइन से बहुत भीड़ है यार, और सब जगह सेल में प्राइस वगैरह आपको लिए मेंशन रहेगा। जैसे यहाँ पर है देखिए 550 लिखा हुआ है, कपड़ा वगैरह स्वेटर यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। आगे ऑन स्टॉल बढ़ते जाएगा तो आपको दिखते जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ भी है 550 वाला है। ये देखिए यहाँ पर जो है प्राइस वही मेंशन है, वही फाइनल प्राइस है 400 का। यहाँ भी कपड़ा वगैरह है, देखिए लाइन से लगा हुआ है 550, जो प्राइस है शायद वही फाइनल है क्योंकि लिखा हुआ है सब में। ये देखिए यहाँ भी 550 प्लस, लड़कों के लिए तो मुझे तक दिखा नहीं है पूरा एकदम। आगे भी देखिए भीड़ लगा हुआ है, लाइन से स्टॉल लगा हर जगह। ये 600 का, और कम में जाते हैं 350 का वो दिखेगा। ये देखिए ये है 350 का कपड़ा, देखते हैं बड़ा अच्छा है कपड़ा, तो ठीक है कपड़ा, मेरे को सही लग रहा है, क्वालिटी वगैरह सही है, पहनने लायक है, सही है, ले सकते हैं, मतलब अगर आपके बजट में है तो आप लोग खरीद सकते हैं। ये देखिए सबसे सस्ता ही मिलने वाला को 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में। ये देखिए गंजी 50 रुपये में लिखा हुआ जो प्राइस है, 50 रुपये में। देखिए गंजी है, आप लोग खरीदने के लिए आए भैया, घूमने के लिए? नहीं तो घूमने के लिए आए हैं। अच्छा कुछ लेना है कि बस ऐसे ही घूमना है? नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर तो बहुत सारे एकदम स्टॉल लगा हुआ कपड़ा का लाइन से, अभी तो फिलहाल मेरे को लेडीज़ ही का दिखा, और जैसा कि पेपर में मिला था कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड होगा, लेकिन वैसा तो मुझे अभी तो फिलहाल तक दिखा नहीं कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड, जो भी है लोकल ही लग रहा है यार। चलिए आगे देखते हैं शायद मिल जाए कुछ ब्रांडेड। यहाँ देखिए 600 का, ये भी लेडीज़ के लिए है, और आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए प्राइस 250, जो प्राइस मेंशन है उसी में आपको मिलने वाला है। तो स्वेटर वगैरह हाफ बच्चों के लिए आई थी, मुझे लगता है बच्चों के लिए, देखिए गंदा भी लगा हुआ, तो कोई आइडिया नहीं यार, लेकिन ये ब्रांडेड उतना लग नहीं रहा है। तो बच्चों के लिए 250 सही है इससे, लेकिन कम तो होने वाला नहीं है। और ये देखिए 1200 प्लस में भी है, 1200 प्लस का, ये अच्छा लग रहा है। जैकेट वगैरह देख लीजिए, ये देखिए जैकेट, पसंद नहीं आ रहा क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं है, बोला ब्रांडेड सा, ब्रांडेड नहीं है। ओह देखिए तो बोले अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा यार जैकेट इनको। और आगे देखते हैं कि शूज़ वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर जूता वाला आ गया, जूता वहाँ पर लिखा हुआ है 400, तो देख लीजिए जूता भाई, अंदर भी देख लीजिए, जूता तो ठीक है लेकिन प्राइस मेरे ज़्यादा लग रहा है। तो गाइस अगर कुछ भी आप यहाँ से बाय करिए, उठाइए, खरीदिएगा, तो आपको बिलिंग आपको आगे काउंटर में होगा, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कुछ भी आप बाय करिएगा सब जगह प्राइस मेंशन है, और भैया प्राइस वही फाइनल है जो लिखा हुआ है, प्राइस मेंशन जो वही फाइनल है। तो गाइस जो प्राइस लिखा हुआ है सब जगह वही प्राइस फाइनल है। तो चलिए अच्छा है, और देखते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। शूज़ वगैरह मेरे को अच्छा लगा, कपड़ा ज़्यादा शूज़ वगैरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शूज़ आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ से, लेकिन प्राइस सब जगह जो है वही रहा। इसका कितना हो गया? 1000। अच्छा 1000, देखिए वहाँ लिखा 1000, वो वाला था 400 का, और अगले काउंटर में आइएगा तो 1000 में मिलेगा। और भी आपको कम ज़्यादा में जो भी लगा हुआ है प्राइस सब जगह मेंशन है उसी दाम में मिलने वाला है, 1 रुपया कम नहीं होने वाला। ये देखिए इधर भी इंस्टॉल लगा हुआ है, ये 1200 लिखा हुआ है प्राइस, देख लीजिए। यहाँ भी जूता का ही पूरा भरमार है भाई,
लेकिन कुछ बोले ब्रांडेड नहीं लग रहा, कुछ बोले कि लोकल लग रहा है भाई, एकदम फेंका हुआ है जैसे तैसे, देख लेते हैं एक टाइम पर। अच्छा दोनों का पेयर भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक मिलने वाला है, पेयर के साथ है। चलिए अच्छा है, जो पसंद है तो खरीद ली, नहीं पसंद तो नहीं खरीदी, अपनी अपनी बात है सबका। इसका कौन सा पेयर यार, सब एकदम छितिर बितिर है, पेयर आपको खोजना पड़ेगा भाई। शूज़ का था गाइस, इधर भी शूज़ का एकदम लाइन से लगा हुआ है, देखिए ये 1800 में आ रहा है, आपको नंबर लिखा हुआ है 9 से 10 साइज नंबर आई थिंक। ये देखिए इधर रिबॉक का, ये रिबॉक का शूज़, यहाँ भी शूज़ पूरा एकदम लाइन से भरा हुआ है। तो ब्रांडेड कंपनी का भी शूज़ भी है, लेकिन 1800 पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। 1800 से लेकर चले तो ठीक है, वरना फिर आगे बढ़िए, 400 वाला भी है, 400 वाला तो लोकल ही हो गया। ओह 2000 का भी है, 2000 का एडिडास का शूज़ देख लीजिए, 2000 का एडिडास का शूज़ यहाँ पर, ये सब एडिडास का शूज़। नंबर लगता है 10, मतलब 10 नंबर आपको मिलने वाला है, देख लीजिए पूरा शूज़ है एडिडास का, अच्छा है। कलर भी आपको मिलेगा, ब्लैक ब्लू में है और रेड वाला है, ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। पेयर भी है, देखिए बांधा हुआ, मतलब पेयर में, इधर उधर नहीं हो जाए इसलिए कोई कोई बांध दिया गया है, तो ये पेयर में है, देख लीजिए। मॉर्निंग वॉक या फिर खेलते कूदते उसके लिए सही है, उन लोगों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि पैसा कम नहीं होने वाला, जो प्राइस वही रहेगा, एक रुपया हमारा कम नहीं होगा। तो इधर था गाइस कपड़ों का लेडीज़ वगैरह के लिए, और इधर है इंस्टॉल जूतों के लिए, और आगे चलते देखते हैं जेंट्स वाला, तो अभी तक हम लोग कपड़ा दिखा नहीं है, लेडीज़ ही दिखा है। आगे चलते इधर भी शूज़ भरा हुआ है, 2000 प्राइस है, आगे जो हम लोग आ रहे तो प्राइस बढ़ते जा रहा है, 2000 हो गया, अभी तक तो हम लोग 400-500 का देख रहे थे। और इधर आगे देखिए ठंडा के लिए स्वेटर वगैरह आपको चाहिए तो आगे इंस्टॉल में जूता के बगल वाले को मिल दिख जाएगा। ये देखिए एकदम लाइन से एकदम गदगद फेंका, उठाइए चुनिए जो पसंद है खरीद के ले जाइए। वाह कॉलर वाला तो नहीं है भाई, कैप वाला है कि नहीं देखता हूँ मैं। हाँ लीजिए कैप वाला खोज, कैप वाला भी है। प्राइस देखिए सब में लिखा हुआ है एक, लेकिन है ये 1200 का लिखा हुआ, सेलिंग प्राइस 1200। चलिए कोई बोल ले पुराना है, कोई बोल ले नया माल है, खरीदना है तो खरीदिए भाई, नया पुराना से क्या लेते हैं। और आगे चलते हैं देखते हैं स्टॉल में क्या देखने को मिलेगा। जैकेट आ गया भाई, वाह जैसा खोज रहे थे, स्कॉट है। ये देखिए पुराना है, नया नहीं है, हाँ ये क्या निकल गया देखिए फटा हुआ निकल। अच्छा ये तो दिक्कत हो गया, ये तो दिक्कत हो गया। ओह जैकेट तो अच्छा था लेकिन फटा हुआ तो नहीं होना चाहिए, बहुत जगह से फटा हुआ है। चलिए देखते हैं और, पेपर में तो दिया था लिखे, ये कुछ है बढ़िया। ओह जैकेट में है लेकिन, ये तो ठीक मेरे को लग रहा है। अच्छा जैकेट में, हाँ जैकेट के स्टोर में थोड़ा फटा हुआ दिख रहा है। हाँ अच्छा तो यहाँ पर जो हम लोग आगे उधर स्वेटर वाला, इधर वो जैकेट स्वेटर सब भरा हुआ है, कुछ बहुत पुराना लग रहा है, कुछ बहुत नया लग रहा है, कुछ तो एकदम फटा हुआ निकल गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये देखिए इधर भी आके हम लोग जैकेट वाले एरिया में जैकेट ही खोज रहे हैं, तो आ जाइए भाई देख लो जैकेट। देखिए जैकेट प्राइस में क्या है मेंशन, 5000 का प्राइस लिखा हुआ भाई, और इसका प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 1200। 5000 का जैकेट आपको 1200 मिल रहा है, देखते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस देख लीजिए भाई, और आपको मिलेगा 1200 में। वाह प्राइस तो जैकेट समय एकदम लिखा हुआ है 4000-5000 और मिल रहा है 1200 में। तो जैकेट का जो प्राइस है जैसे सबका देख रहे हो 4000-5000 के ऊपर जा रहा है, लेकिन जो मिल रहा है प्राइस सेलिंग प्राइस वो आपको 1200 में मिल जा रहा है, तो सही है। यहाँ पर भी हम लोग आए हैं स्वेटर वाले एरिया में, तो यहाँ पर थोड़ा कम में मिला, 5 मिनट में मिला, 5 मिनट का दिख रहा है, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। कैब वाला खोजते हैं बहुत लोग, इससे प्राइस देख लेते कितना लिखा हुआ है भाई, इसका प्राइस देख लो भाई 2500 के राउंड, वही 2600 के राउंड, और 500 में मिल रहा आपको, और अच्छा है। यहाँ पर तो प्राइस ही नहीं मेंशन है, शायद टूट गया होगा। अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ देख लीजिए 500 प्लस, मतलब थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। ये आएगा चप्पल वाला, चप्पल आपको मिलेगा 250 में, देख लीजिए ये चप्पल स्टोर आ गया, तो शूज़ था ये चप्पल स्टोर आ गया। चप्पल ही भाई मार, चप्पल ठीक है, आजकल तो ऐसा चप्पल चल रहा है, ये वाला देख रहे ये वाला, इसमें प्राइस लिखा हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए इसका प्राइस 699 लिखा हुआ है, और ये आपको मिलने वाला है 250 में, उल्टा टंगा उसके लिए सॉरी, माफ मैंने नहीं टांगा अभी। लीजिए जूता कितना खूबसूरत अच्छा है, देख लीजिए
शादी वगैरह अभी टाइम है भाई, खरीद सकते हो खरीद लो, 450 का जूता शूज़ मिलने वाला आपको। ये सब तो ज़्यादा शादी वगैरह में यूज़ होता है, हम लोग तो ऐसे नॉर्मली पहन नहीं सकते हैं। देख लीजिए प्राइस में लिखा हुआ नहीं हुआ है, इसमें तो मेंशन नहीं है प्राइस, टैग मतलब इसमें नहीं है जो वहीं पर दीवार में है। इधर 450 था, ये 750 में आपको मिलने वाला, ये ब्लैक वाला जो है क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है, मजबूत लग रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि कम यहाँ पर प्राइस नहीं होने वाला, जो प्राइस भाई वही प्राइस मिलेगा। 750 वाला ये है, वो अब तो हायर ही होते जा रहा है, कम में तो दिख नहीं रहा हम लोग को, लेकिन अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो इधर था गाइस शूज़ का हम लोग को मिला, अच्छा अच्छा शूज़ है, और लेकिन बस सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि प्राइस जो है वही इसी प्राइस में आपको मिलने वाला है, कम आपको नहीं होगा। तो ठीक है चलिए और आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पर कुछ है कि नहीं। शूज़ तो अच्छा अच्छा है यार, इधर भी है, ये भी 750 वाला, इधर जो प्राइस हम लोग को लग रहा है थोड़ा हायर है 750, वो देखिए वहाँ पर 350 का भी आपको मिलने वाला है, 850 भी है, मतलब 1000 के अराउंड अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो गाइस है पूरा चप्पल वाला है, चप्पल जूता है एकदम फैला हुआ लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, इधर से हम लोग पूरा घूम कर आ रहे हैं, ये लास्ट हमारा होगा लाइन, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये प्राइस 100 का भी है भाई, देख लो 100 में देखते हैं कुछ है। ओ लगता है 100 का ना ही देखे तो ठीक है, लेकिन ठीक है लेने वाले तो खरीद ही सकते हैं। 100 100 में कहाँ को कपड़ा मिलेगा भाई, शर्ट मिलेगा देख लीजिए, लेकिन फटा हुआ है, कोई कोई ख़राब है, तो ये सब 100 वाला है भाई देख लीजिए, किसी को लेना तो आइए ख़रीद लीजिए भाई, लेकिन चिथड़े उड़े हुए हैं 100 में, मुझे लगता नहीं कि जल्दी कोई ख़रीदने वाला है, लेकिन ठीक है चलिए आगे चलते हैं। 100 में कोई क्या ख़रीदेगा, 250 में आ जाइए, कम में लगे खोदे तो यही मिलेगा, कम में क्या मिलने वाला है, 250 का ये है। इधर भी है हाफ़ टी शर्ट, अभी तो ठंडा आ गया भाई, तो हाफ़ तो ख़रीदना सही नहीं है, बट बाद के लिए खरीद के रख सकते हैं आप लोग। ये देखिए सब टी शर्ट है, इसमें तो प्राइस मेंशन नहीं है बट किसी में, हाँ ये रहा 899 लिखा हुआ है, और ये आपको मिलेगा 250 में। ये लीजिए यहाँ पजामा, यहाँ पजामा और जैकेट मिलेगा आपको, देख लीजिए भाई, अब मैं हर का आपको दिखा देता हूँ, पूरा भरा हुआ है लाइन से भाई यहाँ पर देख लीजिए, अब भीड़ देखिए कितना भीड़ हो गया, जब आया था तो कम था, अब तो और ज़्यादा हो गया भीड़। तो सब कुछ तो गाइस हम लोग देख लिए, बट अभी तक पैंट हम लोग को दिखा नहीं, वो लीजिए पैंट का नाम लिया हमको, पैंट दिख गया, जीन्स भी दिख रहा है और इधर पैंट भी है, इसका 700 आपको मिलने वाला है, यहाँ पैंट है और उधर है जीन्स का, तो प्राइस जो है वही रहेगा 700 लिखा हुआ, तो 700 मिलने वाला है आपको। पैंट वगैरह पूरे एकदम फैला हुआ है, एक एक करके मैं निकाल कर वो दिखाते जाऊँगा ना, ये पैंट देख लीजिए, यहाँ पर जीन्स है देख लीजिए, यहाँ पर जीन्स है आपको हर तरह का जीन्स मिलने वाला, जीन्स का प्राइस आपको मिलेगा 1100 लिखा हुआ है, 1100 आई थिंक मुझे लगता है 38 नंबर इंस्टॉल नंबर होगा। अच्छा हाँ देखिए जीन्स जैसा हम लोग खोजते हैं, कोई कोई खोजते इस टाइप का डिजाइन वाला जीन्स, तो पूरा एकदम भरमार है भाई। इसका प्राइस तो किसी में टैग देखते हैं, हाँ ये देखिए एक टैग मतलब पैंट का टैग है 2099 और आपको मिलेगा 1100 में देखिए। वाह लेकिन पैंट का मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, कोई कंपनी है पार का लिखा हुआ है स्लिम, अच्छा लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा इसका प्राइस लग रहा है। तो ये गाइस बिलिंग काउंटर, जिनको पसंद है अपना खरीद रहे हैं वहाँ पर से आपको जो भी है उठा लीजिए पसंद है, और यहाँ पर बिलिंग होगा, लेकिन लाइन से लगे हुए लोग, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट बाहर निकल जाइए। तो ये था बिलिंग काउंटर, देखिए इधर भी है, दोनों साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, दोनों साइड बिलिंग है। लोग अब निकलते हैं यहाँ से, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्तों को शेयर करिए।